खबर गोरखपुर से है, जहां वर्तमान प्रधान को पूर्व प्रधान ने धमकी दी, जिसका ऑडियो वायरल हो गया है। पूरा मामला गोरखपुर जिले के झंगहा क्षेत्र के अंतर्गत बक्सुडी गांव का है, जहां वर्तमान प्रधान नरसिंह पासवान को पूर्व प्रधान सुंदर चौधरी ने अपने साथियों के साथ मारने के लिए दौड़ाया। किसी तरह वर्तमान प्रधान ने भागकर अपनी जान बचाई। वर्तमान प्रधान ने बताया कि पुरानी रंजिश और सत्ता हराने को लेकर पूर्व प्रधान आक्रोशित है। उसी मुद्दे को लेकर आए दिन उसको धमकी देता रहता है और कहता है कि तेरे घर आकर तुझे देख लूंगा और तेरी दवाई करूंगा। वहीं प्रधान संघ अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी प्रधान के साथ उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, आपका नाम? नागेंद्र सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष ब्रह्मपुर। सुनने में आया है कि आपके विकास खंड के एक ग्राम प्रधान को कुछ दबंगों द्वारा बुरी तरह से पीटा गया, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जी जी, पूर्व प्रधान है वहाँ बक्सोई के, हमारे ग्राम प्रधान हैं नरसिंह पासवान जी। कल उनके पूर्व प्रधान द्वारा उनके ऊपर लोग हमला कर दिए, क्योंकि ये प्रधानों का जितना भी उत्पीड़न हो रहा है ये कतई उन लोगों से बर्दाश्त नहीं है। इसे हम कल कड़ी कल कप्तान साहब से भी हम कल मिलेंगे। क्या मामला है प्रधान जी? ग्राम सभा बक्सोई से मैं नरसिंह पासवान। एक दिन स्कूल की चार दीवारी गिरी थी बक्सोई ग्राम सभा में। मेरे को जब सूचना मिली मैं गया वहाँ पे, फोटो खींचा और पूछा, वहाँ की बाउंड्री जो गिरी थी उसको उठा के खरंजा लगा रहे थे सुनील के लड़के, पूर्व प्रधान हैं, खरंजा लगा रहे थे। मैं उनसे पूछा तो बताए हाँ इसी में कहीं टाइम में, चुपचाप आ गया घर और रात को 10:30 बजे फ़ोन करके मुझे हड़काने लगे, गालियाँ देने लगे। मेरे साथ जो लोग थे उनको भी गालियाँ दिए, धमकी दिए मारने के लिए। मैं चौकी पर दरखास्त भी दिया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। दो चार दिन बाद शांत हुआ थोड़ा मामला, तो जो लोग मेरे साथ थे पवन अवस्थी और अजीत अवस्थी, इन लोगों से गोलोर चौराहे पर हाथापाई हो गई। और उसके बाद जो भी झगड़ा था वो हाथापाई किससे हुआ? अजीत अवस्थी और पवन अवस्थी, रवि और गोलू, चार पांच लोग थे। उसके बाद सुलह समझौता के बाद कल हम लोगों को फिर गजाई कुल में उनके लड़के लोग घेर के गाड़ी सुंदर सिंह को गाड़ी से खींच के और मारने लगे। एक दो थप्पड़ मुझे भी लगा। मैं जी, आपका नाम क्या है? नरसिंह पासवान। आप किस गांव से हैं? ग्राम सभा बक्सोई। आप वहाँ क्या हैं? ग्राम प्रधान। समस्या क्या आपका है? समस्या यही है कि कल सचिवालय का सामान लेकर जा रहा था मैं घर नई बाजार से, और गजाई को गए तो हम लोग तीन आदमी थे एक गाड़ी से, अजीत अवस्थी, रवि और मैं, और सुंदर सिंह के लड़के गांव से आ रहे थे गजाई को चौराहे पे। हम लोगों को देखा और गाली देते हुए दौड़ा लिया, हम लोग वहां से भागे। फिर आए चौकी पर, हम लोग दरख्वास्त दिए और दरख्वास्त देकर वापस जा रहे थे गजाई कुल में, हम लोगों को गाड़ी से खींच कर और मारने लगे सब। कौन मारा? सुंदर सिंह। कौन है सुंदर सिंह? चौधरी, पूर्व प्रधान। आपका क्या नाम है? हम अजीत अवस्थी। हाँ, ग्राम बक्सोई। हाँ, क्या समस्या है? समस्या ये था कि हम प्रधान जी के साथ में थे, सामान लाने गए थे। सामान लाते समय एक दो बार गाड़ी कौन सा सामान ला रहे थे? कार्यालय का, सचिवालय का सामान लाने प्रधान जी के साथ में गए थे। उसके बाद रास्ते में विनय गुप्ता के घर पर पहले से प्लानिंग हो चुकी थी, विनय गुप्ता के घर पर पहले से प्लानिंग हो चुकी थी। हम लोग रास्ते में आए विनय गुप्ता के घर पर, सब लोग खड़े थे, और इसमें मेन भूमिका निभाने वाले विनय गुप्ता का घर और उनका परिवार है। विनय कौन है? विनय कोई मंडल अध्यक्ष है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए गोरखपुर से संगम सिंह की रिपोर्ट। बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र के ऐतिहासिक व पौराणिक लखनेश्वर DM मंदिर के समीप धर्मजा गांव स्थित श्री मौनी बाबा मंदिर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और मंदिर के पुजारी हरिंद महाराज के नेतृत्व में विशेष हवन पूजा कर लोक मंगल की दुआएं मांगी गईं। श्रद्धालुओं के अनुसार प्रसिद्ध मौनी बाबा मंदिर की मान्यता है कि लोग सच्चे मन से मांगी गई दुआएं कबूल हो जाने पर श्रद्धालुजनों द्वारा यहां समय समय पर विशेष हवन पूजन की परंपरा है। इसी परंपरा के तहत आयोजित इस विशेष पूजन हवन के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यज्ञ में आहुति देकर समाज व राष्ट्र की सलामती के लिए मन्नते मांगते हैं। मौनी बाबा के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का सैलाब प्रसिद्ध शिव मंदिर व विष्णु मंदिर पर भी दर्शन पूजन अर्चन करता है। विजय चौधरी, योगी जी महाराज, दीनदयाल और बालक दास आदि मौजूद रहे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए बलिया से अखिलेश सैनी की रिपोर्ट। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार, और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।